खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, शोभा यात्रा पर फायरिंग का आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और एक नागरिक भी घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग भी लगाई थी। अब इस पूरे मामले की जांच स्पेशल सेल कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लगातार जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें उपद्रवियों ने जमकर हुड़दंग मचाया है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ भी की गई है, गोलियां भी चलाई गई है। और अब इसी को लेकर पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज भी मिले हैं, और यही नहीं, जिसने गोली चलाई थी उस आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट, स्पेशल सेल जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुट चुकी है। ये तस्वीरें मन को विचलित कर देने वाली, हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग भी लगाई थी। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पथराव किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने अब तक 14 लोगों को हिंसा के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, दिल्ली हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई है, काफी विचलित करने वाली है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस हिंसा को रोका जा सकता था? शोभा यात्रा में कितनी भीड़ थी और फिर क्या उस हिसाब से पुलिस बल को तैनात नहीं किया गया था? हाँ बिल्कुल, देखिए यह चिंता का विषय है और इसी एंगल पर पुलिस भी जांच कर रही है कि क्या ये हिंसा हुई है, ये हंगामे के बाद हिंसा शुरू हुई या फिर ये सुनियोजित तरीके से है। यही वजह है कि पुलिस इसी बीच लगभग इसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है। और जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें बताया है कि किस तरह से ये जहांगीरपुरी का जामा मस्जिद का इलाका है और मस्जिद के सामने से जैसे ही शोभा यात्रा गुजर रही थी, उसी दौरान एक अंसार नाम दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में मेंशन भी किया है कि अंसार नाम का एक शख्स था, जिसने अपने 4-5 साथियों के साथ आया और वहां यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहस करने लगा, लड़ाई करने लगा, जिसके बाद वो बहसबाजी आगे बढ़ी और वो पत्थरबाजी में तब्दील हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों तरफ से हजार हजार के जो पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका बयान है कि 1-1 हजार दोनों तरफ से लोग थे और जमकर पत्थरबाजी हो रही थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और एक नागरिक भी उसमें घायल, एक आम आदमी भी उसमें घायल हुआ है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके में कई रोहिंगा और कई बांग्लादेशी रहते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंसा को अंजाम दिया है। और 2020 में जो दंगा हुआ था, उसकी चार्जशीट में भी जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी का जिक्र किया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए उसमें 2020 के जो दिल्ली में दंगा हुआ, उसमें उस इलाके, वो इलाका काफी सेंसिटिव है, जहांगीरपुरी का इलाका, और उस इलाके में इस तरह की कई बार कई अवैध की खबरें उस इलाके से आ चुकी है और माना जाता है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उस इलाके में रहते हैं। तो संदेह वहाँ यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि सुनियोजित तरीके से किया हुआ, ये प्लान किया हुआ हिंसा हो, हंगामा हो। लेकिन फिलहाल पुलिस जितने भी क्राइम टीम है वहाँ मौके पे है, स्पेशल टीम को लगाया गया है और जिनको कल हिरासत में लिया गया था करीब 1.5 दर्जन के आसपास, उसमें से 9 की गिरफ्तारी भी दिखाई गई। पुलिस अब इस मामले की किस एंगल से जांच कर रही है? क्या दंगे के एंगल से ही इसकी जांच की जा रही है? हिंदू त्योहारों पर दंगा प्लान किसका प्रयोग है? सुशील, निश्चित तौर पर देखिए नुपुर, अभी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से 2 बयान आ चुके हैं इस मामले में कि वो कुछ लोगों को गिरफ्तार की है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज किया गया है और अभी इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह प्लान्ड वे में था या फिर इससे पहले जो आमूमन जब निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, उस दरमियान यह दंगा हुआ, उस दरमियान ये पकड़ा हुआ, ये कुछ हुआ, तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आखिर प्लान था तो प्लानिंग किसकी थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इस कदर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही आसपास के जितने घर हैं वहां पे, उन सब में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, आवाज जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है।
सुशील आप नजर बना के रखिए पूरे मामले में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि दिल्ली हिंसा के मामले में 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसने फायरिंग की थी उसको भी पुलिस ने बरामद पकड़ लिया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। पुलिस को 100 से ज्यादा वीडियो फुटेज भी मिले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कल हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें पथराव किया गया, गाड़ियों में आग भी लगाई गई।